ट्रिप तो हम ये रिजॉर्ट छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं एलेपी विच इज़ अ 2 hour ड्राइव फ्रॉम हेयर। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, 9:30 तक निकलेंगे ताकि हम टाइम पे पहुंच जाएं एंड वहां जाके हम बताएंगे कि हम कहां रुकने वाले हैं। तो थोड़ा यहाँ से सामान लेंगे हम, कॉफ़ी और मैगी, पेप्सी भी लेनी है। हाँ पेप्सी, इसके लिए पेप्सी भी ले लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। एक पेप्सी इसकी एक्चुअली दवाई है, तो जल्दी लेते हैं और चलते हैं। So what I'll do is just provide you with a brief houseboat tour and we'll show you, because we haven't roamed around a lot as well, so we'll just explore what's in there and what all do we have to do in here. So let's go. So this is the living area. यहाँ पे dining table है, तो यहाँ पे हम बैठ के lunch करेंगे, dinner करेंगे, जैसे जो जो मिलेगा सब करेंगे और यहाँ पे बैठ के आराम से व्यू देख सकते हैं। अगर सामने देखें तो भैया वहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, विल रिक्वेस्ट देम कभी अगर हमें सीट पे बैठने का मौका मिले तो मज़ा आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इसके अलावा। वी विल गो देयर लेटर। यहाँ से ऊपर जाके डेक है आराम से बैठ के व्यू एंजॉय करने के लिए, बट यहाँ पे बाद में चलते हैं, पहले देखते हैं रूम्स कैसे हैं। दिस इज काइंड ऑफ ए हॉलवे एंड दिस इज द बेडरूम वन। Not a lot fancy like a luxurious hotel, but I think it's very good given the perspective from a houseboat. So, मतलब सही है, AC भी है, but AC खाली रात को चलता है, I think 8 o'clock or 9 o'clock से. So, I don't think we need it as well अभी दिन में, क्योंकि लगता है धूप है, but बाहर बहुत अच्छी fresh air मिलती है if you sit by the window. और यहाँ पे भी window है and washroom. Here is a washroom as well. तो दो बेडरूम्स हैं इस बोट में, इट इज अ 2 BHK हाउस बोट और दोनों में अटैच वॉशरूम है। एंड देन भाई ये एरिया हमारे पगड़ी बांधने के लिए, और इतने बड़े शीशे के लिए हम क्रेव करते हैं। घर पे भी शीशा है, बट यार हम दोनों में यही लड़ाई होती रहती है, कभी इसको तैयार होना, कभी मुझे तैयार होना है। हम सरदार लोग, लड़के से कम नहीं होते तैयार होने में। हमें यहाँ पे पूरी दाढ़ी बांधेंगे भाई, पगड़ी बांधेंगे एंड यहाँ पे आराम से हमारे पास खुला स्पेस है। लेट्स गो अगेन अनदर
द विंडो बहुत एरी बनाई है, काफी सही है, मतलब कहीं से भी आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं. एंड दिस इज द सेकंड बेडरूम, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट वन, एवरीथिंग इज सेम. एक इसमें गद्दा है जो कि एक हम अपनी मेड को लेके आए हैं तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बेडिंग है. बाकी रूम इज एग्जैक्टली द सेम एंड आई थिंक वॉशरूम इज ऑल्सो द सेम. We'll briefly show you this kitchen area. We can show it from there. We can go inside as well. Okay, okay. So this is the kitchen area where all the meals will be prepared from breakfast to dinner. And it looks very clean. I think it's very well maintained. Even the houseboat as well. We removed the shoes at the front and we are barefooted right now. So everything is pure hygienic. And that's a view there. We don't need to see. Everything is same. But it's perfect. Thank you so much. Thank you, sir. Now, let's go to the upper deck where we are planning to spend our most of our time there. Trust me, these seats are far more comfortable as they seem. मुझे देख के नॉर्मल लग रही थी बट बैठ के इतना कम्फर्ट आ रहा है, मतलब कुछ नहीं चाहिए मुझे. सामने व्यू देख रहे हो आप, यहाँ पे बैठ के मैं यहाँ पे एक कॉफ़ी लूँगा और बस वो व्यू इन्जॉय करूँगा. एम एस सुन है शाम को पकौड़े मिलेंगे तो उस टाइम मैं चाय पीऊँगा और ये व्यू इन्जॉय करूँगा. मैं कोई टेंशन नहीं है मंडे को क्या करना है, बट विज मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. दिस इज़ अ ह्यूज लेक तो मतलब बस यार इन्जॉय करना, अब जाओ बाय. I'll just quickly walk you through what all is there to eat. So when we came in here at around 12 o'clock, we were served with some welcome drinks and in this particular area. And after this, I think at 1:30 or 1:45, we'll be served with lunch. And we asked the menu, and in lunch, since we are both vegetarian and non-vegetarian, in vegetarian we have approximately 2-3 sabzis and some chapati, rice and sambar. चपाती में आई आज एम वन थिंग कि आटे की होगी ना, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ है इसमें, क्योंकि मैदे की चपाती मिलती है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, बट सब परफेक्ट है. उसके अलावा आई थिंक नॉनवेज में चिकन या फिश करी होगी, बट देयर इज अ लॉट मोर टू इट आफ इन डिनर एज वेल. तो हम लंच में क्या है, डिनर में क्या है, विल वॉक यू थ्रू व्हेन वी गेट इट. तो अभी हम लंच ब्रेक के लिए रुके हैं और ये हमारे शेफ हैं जो कि अभी हमारे लिए फ्रेश बनाना लीफ लेने गए हैं और उस पर हमें खाना सर्व करेंगे. मैं सोच रहा था अपूर ने मना क्यों किया यहाँ पे आने के लिए, जो इसका नितिका का फियांसे है. अब मुझे समझ आया किसी बातों में इतना इरिटेट हो चुका हूँ, इतना इरिटेट हो चुका हूँ. मुझे लग रहा है वो होता, वो इतना हो जाता, वो बंदा यहाँ से कूद जाता. तो भाई वी जस्ट सेव्ड योर लाइफ, यू आर सेफ एंड सिक्योर, स्टे एट होम. इतना आइडिया आया एक जबरदस्त, 12 केले बेचेंगे दिल्ली जाके. केलिया स्पेशल केरला के बोलेंगे तो बल्कि बता दें कुछ एक्स्ट्रा है. वो छोटे कितने लगे हैं यार, ये बड़े भी. डिनर इज रेडी. डिनर डिनर है नहीं, वो कहते हैं ना उसमें शादियों में
तो आर फूड इज रेडी एंड सर्व्ड, तो हम जा रहे हैं. उन्होंने हमें बाहर निकाला था, बोला था कि हम थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे सो दैट वी कैन कम बैक इट्स ऑल सेट. तो हम अब जा रहे थे. So guys, this is our lunch which is served in a very traditional way. ये जो leaves हैं ये हमारे सामने ये तोड़ के लाए हैं and fresh इसको wash करके इन्होंने यहाँ पे serve करा है. खाने में पापड़ है, राइस है, सम मिक्स वेज इज देयर विच इज एक्चुअली कैबेज, लॉन्ग बीन्स, दीज आर टू वेजिटेरियन आइटम्स, सैलड, कोकोनट चटनी, बीट रूट चटनी एंड दिस इज सम पिकल एंड यहाँ पे है सांबर, कर्ड एंड इन नॉन वेजिटेरियन देयर इज फिश फ्राई, पॉम्फ्रेट फिश जो कि एक ही बंदा खा रहा है बट एंड दैट पर्सन सीम्स टू बी वेरी हैप्पी तो अच्छी होगी. हमारी अब बोट इधर रुकी है गाइस, यहाँ पे मसाजिंग सेंटर है तो जिसको भी मसाज करानी है वो यहाँ पे, अब थोड़ा सा ब्रेक है वो यहाँ जाके मसाज जो भी आपको कराना करा दो. सो आफ्टर मसाज जो कि मैंने नहीं कराई, टाइम फॉर टी एंड सम पकोड़े, मस्त मस्त फ्रिटर्स. वाओ, इंग्लिश. हियर वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पकोड़े. This one is प्याज के पकौड़े, this one is आलू के पकौड़े and two are very surprise. This is fresh केले के पकौड़े and this is very nice, very very tasty. And now time for some tea party. पावी हो रही है, पावी हो रही है. तो guys काफ़ी vlogging हो गई है, चाय पकौड़े हो गए हैं but अब थोड़ा सा relax करने का time आया और मैं दिखाता हूँ हम कैसे relax कर रहे हैं. तो भाई ये हो रहा हमारा relax और ये है हमारा व्यू. तो अब हम कर रहे हैं व्लॉगिंग व्लॉगिंग बंद और अब हम करेंगे व्यू एंजॉय. सो बाय बाय. दाल है, ये दाल तो नहीं है, ये दाल है, करी है वो, करी तो केट केट है, करी है. वी आर हैविंग आवर डिनर फॉर द डे एंड वी कॉल इट अ नाइट आफ्टर दिस. तो डिनर में क्या-क्या हम बता देते हैं, ये है चिकन एंड वो है फिश, दिस इज कर्ड करी एंड दिस इज समथिंग बनाना फ्लावर, या दिस इज बनाना फ्लावर एंड राइस एंड दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज मैंगो चटनी. हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कैसी है. एंड ये है भिंडी एंड काफ़ी कुछ है, मतलब मैं थक रहा हूँ बोलते बोलते, उन्होंने खाना भी अभी. थैंक यू. ये है रोटी, फाइनली रोटी, या एंड दिस इज दाल. तो अभी हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे थोड़ा एंड विल कॉल इट अ नाइट. कल हमें सिटी में